हेलो स्टूडेंट सेलेक्ट सी द्वेशन सॉन्स फोर टू एंड सेवन रेस्पेक्टिवली हु अमंग देम वुड हैव मोस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओवर आयनिक बॉन्ड तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से होता है है ना इलेक्ट्रॉन पेयर बेहतर होगा बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग के वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये जो आयनिक बॉन्ड है कैसा होता है ये आयंस के फॉर्मेशन से होता है ना सबसे पहले तो आयंस बनेंगे उसके बाद जो आयंस बने हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन होंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अभी आयंस कैसे बनते हैं आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन से या फिर लूज करने से है ना आइदर इलेक्ट्रॉन इज गेंड और लॉस्ट तो इसके वजह से आपको आयंस मिलेंगे ये जो प्रोसेस है यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करना या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना या फिर इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लूज कर लेना ये प्रोसेस होता क्यों है इस प्रोसेस के लिए एक ही चीज जिम्मेदार है जो कि है ऑक्टेट रूल हर कोई एलिमेंट चाहता है कि अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एट हो जाए यानी जो अपना वैलेंस शेल है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स रहे विच विल बी रिजेंबलिंग द नोबल गैस कंफिग्रेशन राइट नोबल गैस तो नोबल गैस को हासिल करने के लिए इतना इतना कुछ होता है अब देखो जिसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स है और जिसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में बात करते हैं जिसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा आसानी से ये टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा सो टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट जबकि सेवन इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास है उसे बस एक और इलेक्ट्रॉन ओनली चाहिए टू गेन द ऑक्टेट, राइट? तो वन इलेक्ट्रॉन विल बी गेन, सिंपल सी बात है तो इसमें ना लॉस एंड गेन हो रहा है इसमें आयंस बन जाएंगे और क्योंकि आयंस बनेंगे और ये प्रोसेस आसान है दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ले आना ये प्रोसेस आसान है तो इसीलिए यहाँ पे आयंस बनेंगे और क्योंकि आयंस बन रहे हैं तो यहाँ से आपको आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्डिंग होते हुए नजर आएंगे अब अगर एक्स यानी जिसका फोर इलेक्ट्रॉन्स है राइट तो अगर फोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो फोर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ या तो आप फोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो या फिर इसी फोर इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दो दोनों में ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंस होने वाला है तो इसीलिए ये दोनों प्रोसेस डिफिकल्ट है काफी डिफिकल्ट है तो ये क्या करेगा ये कोशिश करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है तो मैं लिख भी देती हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन इज शेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करने के ऊपर ये पसंद करेगा कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करना ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए एनर्जेटिकली काफी एक्सपेंसिव है सो दिस विल फॉर्म को वैलेंट बॉन्ड ओके क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज या फिर कंप्लीटली गेन करने के ऊपर तो दैट इज वाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए एक्स आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहा थैंक यू सो मच